अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, चल सैंडविच खाते हैं। हारने के लिए प्रटेंड कर, वो देखो वहां पे मैडम को रो रही है। अभी मैं ट्यूशन से पढ़ाई करके आ चुका हूँ और अभी मैंने सोचा मैं आपको अपना रूटीन ही बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ ट्यूशन के बाद। तो बने रहिए इस व्लॉग के एंड तक। गाइस मैं ट्यूशन से आके सबसे पहले मालूम है क्या करता हूँ? साइकिल। और यहाँ पे मेरा छोटा सा फ्रेंड भी साइकिल कर रहा है। हाय, डोंट नो। तो चलो मैं फर्स्ट टाइम वॉक कर रहा हूँ। अब साइकिलिंग करते करते कितना मजा आ रहा है ना कि साइकिल भी करो तो आपसे आपके साथ मतलब शेयर करो। हाँ वैसे मुझे मजा बहुत आता है आपके साथ बात करके। हाँ मुझे मजा बहुत आता है आपके साथ बात करके क्योंकि आप ही मेरी जान हो यार। आपकी वजह से ही मैं इतना मतलब स्टार बना हूँ। आपकी वजह से मुझे कितना प्यार मिला है। आप ही ने मुझे मेरे स्ट्रगल लाइफ में मुझे सपोर्ट किया है। तो बस ऐसे ही करते रहना। और हाँ एक बात मैं जरूर कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल धन तेजस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार। फिट करके प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसको बजा दो क्लिक करके। और फिर एक घंटी आ रही होगी उसको ऑल पे क्लिक कर नोटिफिकेशन जरूर कर देना। आओ बने रहो मेरे व्लॉग में। वाओ यार क्या मजा आ रही है। लिटरली मैं एकदम शूट कर रहा हूँ और मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ यार। यो ओ बॉय क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। ओ वाह, ओ ये, ओ ये। चलो वो देखो मैडम को, देखो वहाँ पे मैडम को रो रही है। साइकिल खराब हो गई तो हम वहाँ पे पार्किंग में रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ रखा है तो चूंकि बारिश भी है ना तो फिर हम बारिश के बाद ही ठीक कराएंगे। क्या खराब है इसमें? चैन निकल लिया। बस तो चैन तो वॉचमैन अंकल लगा देंगे। तेजस बेबो उतरो, अंकल लगा देंगे। तो गाइस आप जब स्माइल करते हो तो आपको ये चीज जरूर बोलनी चाहिए, I smile, I grew, then I prove. हाँ स्कूल में। जब भी मैं देखता हूँ एक ईगल को, ईगल की भी मैं ईगल के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। He's very strong. उसके पास एक ऐसा टाइम आता है 30 या 40 के बीच में जिसमें वो शिकार नहीं कर पाता, वो भारी हो जाता है, उसके पंख हो जाते हैं। तो उसके पास एक ऑप्शन है बिना खाने के मर जाओ, दूसरा ऑप्शन है पहले उसकी बीक को एक उसमें मारो पत्थर से, वो ठीक होगा फिर वो अपने ये फाड़ेगा। ठीक है, ये फाड़ने के बाद उसके पंख जब तक आते तब तक वो अपने नेल्स को भी पत्थरों पर मारेगा, फिर एकदम नया ईगल हमारे सामने रेडी हो जाता है और फिर वो फिर से राजा बन जाता है आसमान का। इसलिए कहते हैं कभी उम्मीद मत हारो और लगे रहो जैसे मैं लगा रहा था। बेबो की साइकिल नहीं बन पाई, अंकल बोले क्या करें अभी इसका, उनको बुलाओगे आप जो आ जाओ। बेबो शीशा रुई से मिलने के लिए फ्रेंड है प्रियल, वो उसके साथ ही खेलना बहुत पसंद करती है, पता नहीं क्यों। जब देखो मम्मी प्रियल की ये हो गई, अरे मम्मी प्रियल का वो हो गया, पता नहीं क्या फंड है। देखता हूँ जब भी मैं वो बोलती हूँ मम्मी प्रियल ने ये करती है उसकी साइकिल से वो खराब हो गए, पता नहीं मैं क्या सोचती हूँ, इसका क्या ही अलग ही फंड है। खैर छोड़ो उसके दोस्त हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको एक स्पेशल गाइस से मिलवाने वाला हूँ, आपको पता ही है वो कौन है, आप देख ही चुके हो। तो प्लीज मीट
तो ऐसे ही मेरे साथ रोज वॉक करता है, मैं से रोज वॉक कराता हूँ, इसको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो गाइस ये बच्चे लोगों के साथ मुझे भी खेलने में मजा आता है। चलो 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 हट। ओ मैं हारने के लिए प्रटेंड करता हूँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मजा आता है यार। रुक 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 क्यों मुझे मार बोल रहा था। ओले 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 मार के ये ऐसे हम गुंडा है अपनी सोसाइटी का, छोटा गुंडा छोटू ऐसे में उसको कर देना सब डर जाते हैं। बहुत खेली अभी से वार्ती के मत नहीं चाहिए। अरे गणेश जी कितने प्यारे लगते हैं ना भगवान, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी मैं फिर ये हमारा अभी मैं जल ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि जल ही सारा संसार है। लीजिए आप लोग भी अपने घर पे जल ग्रहण कीजिए जैसे मैं करता हूँ। संतुष्टि कुल कुल ठंडा ठंडा। अभी मैंने मम्मा से बोला यार मम्मा मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो अभी मम्मा मेरे बना रही है कि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला मम्मी आप मेरे थोड़ी खीर ही बना दो, खीर बड़ा अच्छी लगती है मुझे। तो अभी यहाँ पे मेरी मम्मा प्यारी मम्मा मेरे लिए खीर बना रही है। अभी मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी है, और आपको मालूम है मैं सुबह ना स्कूल में आलू पराठे लेके गया था, तो आलू की स्टफिंग बची हुई थी, तो मम्मा ने उसे ब्रेड पे बटर लगा के और आलू स्टफिंग डाल के आलू सैंडविच बना दिए। तो यही है मेरा डिनर, तो चलो खीर टेस्ट करते हैं और बताते हैं। बेपन ने नहीं खाना क्या? बहुत अच्छी है। अच्छी है मम्मा। थैंक यू। जहाँ पे गरम लग रहे हैं ना अभी तो पहले सैंडविच खा लो। मुझे खाना ले लो, आप ही खाए अभी थोड़ा सा गरम लगे तो छोड़ देना, क्योंकि तुम लोगों ने ठंडा होने का भी वेट नहीं किया। यहाँ पे सेम रखते हैं। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, चल सैंडविच खाते हैं। बेबो ने पूरा सैंडविच तोड़ मरोड़ के खाना होता है हमेशा। तो मम्मा बोल रही थी मम्मा खिला देगी, तो चलो कोई बात नहीं, तो बैठ के खाओ। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ बढ़िया सी खीर और सैंडविच के साथ। होप है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।